Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Pankaj bhai, bahut bahut swagat hai aapka. Paaji, ye bahut hi kamal ke aur talented log hain yahan pe. Ashmi ji ki जो पिछली फिल्म थी नील बटे सन्नाटा बहुत ही कमाल की फिल्म थी और अब इन्होंने बरेली की बर्फी जो है वो डायरेक्ट की है. अच्छा, ये आपके मियाँ जी ने लिखी है ना, नितेश तिवारी जी ने. जैसे नितेश सर जो भी फिल्में लिखते हैं अपनी वो खुद ही डायरेक्ट करते हैं, आपकी डायरेक्ट की हुई दोनों फिल्में भी उन्होंने लिखी हैं, तो वो आपको ऐसे प्यार से देते हैं कि एज ए वाइफ आप छीनती हैं उनसे? उनके पास कोई ऑप्शन है? तो मतलब बीवी चाहे डायरेक्टर हो बीवी होती है. ये बात कॉन्फिडेंस है वाइफ का. अच्छा, वैसे जो नॉर्मल हम जैसे परिवारों में जो बीवियां होती हैं अपने पति से पूछती ना कि तैयार होके मैं कैसी लग रही हूँ, आप अपनी फिल्म का सीन शूट करके पूछती हैं उनसे कभी ऐसे? वो पूछते हैं आपसे कभी? आई थिंक हाँ, वो कभी कभी कलर्स वलर्स में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज मेन यूजली डोंट कलर्स में उनको इश्यू होता है ना. ओके, कलर ब्लाइंड होते हैं वो. तो मतलब डायरेक्टर जो है पति वो बेचारा ही है. बंदे कलर ब्लाइंड होते हैं. इतना अच्छा लाल स्वेटर पहना भाजी आप. पर हमें बड़ी खुशी हुई सीमा जी आपको देख के. पंकज भाई को तो मैं मिला हूँ, पहले भी जानता हूँ. सीमा जी, हम लोग आप लोगों को हम लोग के टाइम से देखते आ रहे हैं. सीरियल आता था ना भाजी, पहला सीरियल. अच्छा, लड़कियों को ना ये बड़ा होता है कि मैं बड़ी ना लगूं, मैं उम्र में छोटी दिखूं. आपने बड़की का रोल कैसे कर लिया था उस उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में? देखो ना, अभी तक बरकरार कर रही हूँ उस चीज को कि अभी भी बड़ा ना माने मुझे लोग. ये बार बार माँ 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 बोले जा रहे. देखो, मैं तो फूल भी लगा के आ गई इसीलिए. और पाजी, दूसरी बार सास बनी है मेरी. तीसरी बार? एक बार तो आपकी मम्मी बनी है ये. मम्मी नहीं, कभी नहीं बनी. मैं माँ की नजर से देखा नहीं कभी इनको. तो ये तीसरी बार आपके दामाद बने हैं जी. आपको इतने पसंद है एज ए दामाद ये? क्या करूं, कोई और जचता ही नहीं. अच्छी बात है, और रहना चाहिए, चाम रहना चाहिए जी. मगर भाई, आप आपके बारे में सुना, जब आप पहली पहली बार मुंबई आए थे. हाँ. आप सीधा रामगोपाल वर्मा के ऑफिस गए थे? हाँ, उनके ऑफिस के बाहर गया था. अंदर का बाहर ही जाते, अंदर तो पहले पहले जाने नहीं देते. तो फिर क्या सोच के आप उन्हीं के पास गए थे? नहीं, लगा था कि हमारे तिरछे दिखते हैं गुंडा टाइप के, तो गुंडों को काम वहीं देते थे. अरे उस वक्त तो सर, उस समय पे रामू जी के ऑफिस के बाहर ऐसे खतरनाक खतरनाक जिसको कटमार्क नहीं होता था वो लगा के आता था. अच्छा, रामू जी को वैसे ही लोग अच्छे लगते थे जिनको कटे फटे हो गए हैं वैसे. तो मैं भी सोचा कि मैं भी वैसा हूँ, तो पहुंच गया. पर अब आप अच्छा नाम बना चुके हैं बॉलीवुड में अपना. अच्छा, हर फिल्म में डकैती, चोरी, किडनेपिंग, बंदूकें, गैंग बस्तीपुर में बकरे काट रहे हैं आप. सडनली आप अभी हलवाइयों का काम कर रहे हैं इस फिल्म में. आपको कैसा घुटन तो नहीं महसूस हो रही? नहीं, मेरे हाथ में चाकू छुरियां निकाल के मुझे इमरतियां लड्डू समोसे पकड़ा दिए. नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है. उसका क्रेडिट जो इन्हीं को जाता है. नील बट्टे सन्नाटा में पहली बार मुझे एक आम आदमी का रोल दिया था इन्होंने. आम आदमी? टीचर. अच्छा. का जो पढ़ाता है, जो काटता नहीं है. रोल सिद्धू पाजी, आम आदमी से उनका मतलब आम आदमी. पाजी कांग्रेस से है ना, तो मुझे लगा जी. सर, मैं आपके साथ हूँ सर. हाँ जी, मैं आयुष्मान खुराना जी के साथ हूँ, कृतन सैनन जी के साथ हूँ, और राजकुमार राव जी के साथ हूँ, और आप लोगों के साथ भी हूँ सर. कैसे कैसे मतलब? कैसे कैसे? ऐसे सर कि लोग कहते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी स्टार या सेलिब्रिटी का हाथ होता है. ऐसा तुमने कहा, हमने किसी औरत का हाथ होता है, स्टार सेलिब्रिटी से आ गया. मगर मैं आयुष्मान खुराना जी को एक बात कहना चाहूँगी. जो इन्होंने कामयाबी हासिल की है, उन्होंने अपनी मेहनत और अपने स्ट्रगल से की है, उस चीज के लिए मैं उनको ग्रैंड सैल्यूट देना चाहता हूँ. थैंक यू. और मैं भगवान से अरदास करना चाहता हूँ कि वो और भी बुलंदियों पर जाए, जहाँ पर वो जाना चाहते हैं. हमारा आशीर्वाद साथ है, पूरी दुनिया उनके साथ है. तू इलेक्शन जीत गया? सर, मैं इलेक्शन उसी दिन जीतूंगा जिस दिन सर उस मुकाम पे जाएंगे, उस चोटी पे जाएंगे. वहां पे मैं देख के मुझे प्राउड फील होगा. और सर, मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा. किधर जा रहे हो? लोग कहते हैं कि आसमान पर छेद नहीं हो सकता. अरे, कभी तबीयत से पत्थर मार के तो देखो. मारो ये, मारो मारो. अरे सिद्धू साहब के लिए कुछ बोलो यार. नहीं 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 पाजी, हम मरवाएगा, क्या कर रहा है तू? अरे बंदा आए देखो. कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है. क्यों?
कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुझे बनाया गया है मेरे लिए। मैंने सारी उम्र ये गाना नहीं गाया, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। क्या क्या करते हैं मुंबई में आप? मैं सिंगिंग लाइन में हूँ सर। सर मैं आयुष्मान खुराना जी से बहुत इंस्पायर हुआ सर, जो उनकी हिस्ट्री है, जो मैं उनसे बहुत वो हुआ और मैं सीखना चाहता हूँ उनसे कि जैसे उन्होंने बिना किसी के सहारे ये मुकाम हासिल किया है मैं भी वो करूँ सर। यार हम एक्चुअली हम सब सब बिना किसी के सहारे आए, ये भी सिद्धू पाजी भी। थैंक यू यार। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच। और कोई मेरा दोस्त जो कुछ भी पूछना चाहता है? यस। हाय कपिल सर। हेलो। मैं कृति मैम से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। करो। आपने आपके फिल्म में ब्रेक डांस किया है, तो मैं आयुष्मान सर को और राजकुमार सर को आपके साथ ब्रेक डांस देखना चाहता हूँ। तो फिल्म में किया है ना, देखो उधर। हाँ नहीं, अभी इधर भी देखना चाहता हूँ ना सर। ये टिकट के पैसे बचाने वाला सीन है, बाकी और कुछ करा दे यार, करा दे। मैं भी एक बार करना चाहता हूँ मैम के साथ। अच्छा आ जाओ आ जाओ। अब तुम ही अकेले करो, ठीक ना सर? आप अच्छा बोला। मेरे को फ्रैंकली बताऊं, मुझे नॉलेज नहीं है ब्रेक डांस। नहीं नहीं नहीं, पर ये क्या झुंझुनी सी क्या उठती है? तो आप ऐसे, मुझे तो ऐसा लगा जैसे तेरी पैंट में मक्खियां छोड़ दी है। आप घर पे सीखे? टीवी पे देख के। ये कौन करता है ऐसे डांस यार? नहीं नहीं, इस स्टेज के ऊपर दिस इज द बेस्ट डांस परफॉर्मेंस दैट आई हैव सीन। ओह रियली? मुझे नॉलेज नहीं ब्रेक डांस की, पर क्या बात है। आज तुम्हें मैं एक गिफ्ट देता हूं। हां यार दे, वो भी कृति के हाथों। ये खूबसूरत सा मोबाइल है, इसको देवा। थैंक यू ब्रदर। नाम फिर नहीं बताया आपने अपना? मनीष। मनीष, हाँ थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कपिल सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। जी मैम। आप तो सबको हंसाते हो, मैं आपको हंसाना चाहती हूँ। मोस्ट मोस्ट वेलकम मैम। मम्मी तू मोटी होगी। मुझे बकरी ईद थी ना। ये तो नहीं कर दिया मिट्टू। आप ऐसे हंस रहे हैं, डर गए। कहाँ से हैं मैम आप? कहाँ से आए हो? मैं गोरेगांव से आई हूँ। गोरेगांव से? पर बड़ा प्यारे हो आप, क्या कहें? थैंक यू। हंसते बड़ा अच्छे हो। थैंक यू। सिद्धू पाजी ऐसा लाफ्टर सीने में चुभता है पूरा, देखो। थैंक यू, ले जाइए आप माइक। आपके बात कहूं मैं? तुम इतना जो। शुक्रिया। अच्छा हम लोग एक सिटी केबल के लिए छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हमेशा, के भैल करोड़पति, तो आप सब आए हैं तो आपके साथ खेल लेते हैं, सो प्लीज।
नमस्कार नमस्कार के भेल करोड़पति में संतोष आपका स्वागत करती है, साथ साथ में हेड मसाज भी करती है 20 रुपया पर हेड एक। लेकिन आपको तेल अपना खुद का लाना होगा, क्योंकि अगर मैं तेल लेने जाती हूँ लोग कहते हैं संतोष गई तेल लेने, अच्छा नहीं लगता है। आयुष्मान जी, राजकुमार जी, ऐसे मत देखिए, मैं सेट हो जाती हूँ। देखिए डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए कि ब्यूटी को अपना ड्यूटी करने दीजिए। तो आज खेला खेलने के लिए ब्यूटी के सामने बैठे हैं हॉट सीट पे आयुष्मान खुराना जी, राजकुमार राव जी और सिद्धू जी की जबरदस्त फरमाइश पे कृति सैनन जी। और एक्सपर्ट्स में हमारे साथ हैं सीमा जी, पंकज जी, अश्विनी जी, नमस्ते, स्वागत है आपका खेला में। तो आपको पहले रूल बता देते हैं, इस खेला में आपको 4 लाइफलाइन मिलेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो मैं लाइन दे सकती हूँ, या आपका मर्जी है। खैर तो चलिए खेला शुरू करते हैं। हेलो, तू खेला नहीं, तू तू तबेला शुरू कर, कोई मेला शुरू कर, तू खेला शुरू कर देती, जब देखो ठेले जैसी औरत खेला शुरू कर देती है। ये देखिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसने बुलाया है आपको, आप आए क्यों हैं? मुझे एकदम अचानक से आना बड़ा अच्छा लगता है, सरप्राइज देना बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता है मैं पैदा भी सरकारी अस्पताल में हुआ, होने में प्राइवेट वाले में था, तो सरप्राइज मुझे सरप्राइज देने बड़ा मजा आता है। हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो जी, हेलो, नाइस टू वेज यू ऑल, नाइस टू मीट यू। होता है सावन का महीना चल रहा है, नो मीट ओनली वेज। ये लीजिए, मुंह मिठा दीजिए, ये मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया है आप सबके लिए। कौन सा बिजनेस है ये, है क्या? बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। चॉकलेट बेचने का बिजनेस शुरू किया मैंने, 250 रुपया मार्केट में लेंगे तो 50 के मिलेगी, बात मेरे से 100 की। तो मार्केट से 50 ज्यादा में क्यों बेच रहे हैं? मैंने चेक करके ऐसे टेस्ट करके डाला दोबारा, मोमबत्ती से सील करके, बहुत मीठी वाली है। आप लोग आए, आपके साथ सेल्फी लेनी पड़ेगी, आइए। मैं भी फोटो में आना चाहूंगी। तू तो ऑटो में नहीं आती, फोटो में कहां जाएगी? फोटो लेने दे। रेली की बर्फी, हैविंग अफेयर विद कृति सनन एंड 80 अदर्स, और फेसबुक पे स्टेटस डाल दूं। हमें ना एक इतना अच्छा अच्छा एक्सपर्ट बैठे हैं, हमें एक फालतू वाला एक्सपर्ट भी चाहिए था, आप बनेंगे? मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, मैं चलती ट्रेन देख के बता देता हूँ अंदर कितने यात्री बैठे हैं। ये कैसे करते हैं आप? रेलवे स्टेशन पे जाओ, रिजर्वेशन चार्ट देखो, पढ़ लो, बता दो। इससे ज्यादा वाहियात बात हमने अपना जिंदगी में नहीं सुना है, पता है आपको? लेकिन ऐसी वाहियात औरत मैं दूसरी बार देख रहा हूँ। पहली बार, एक बार तब जब मैं पहली बार आया था तब मैंने देखा, आज मैं दूसरी बार आया हूँ तब देख रहा हूँ। चलो रबड़ की औरत गेम शुरू करो, चलो। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चौथा सवाल। चौथा क्यों, पहले पहला होता है? नहीं नहीं नहीं, पहला दूसरा तीसरा तब को बहुत अवार्ड मिलता है, प्राइज मिलता है, सब जानते हैं पहले तीन को, चौथे को कभी कोई अहमियत नहीं मिला। तो हम चौथा से शुरू करेंगे। आपको ये बताना है कि हम जो हैं किन कपड़ों में सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये आपको कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप अपना इमेजिनेशन भी कहते हैं। तू किन कपड़ों में अच्छी लगेगी, तू एक काम कर, हाई नेक घाघरा पहन, यहाँ तक ऊपर जैसे रबड़ लगा ले बांध के, लोगों को क्यूरियोसिटी रहेगी, हो सकता है कुछ अच्छा निकले। झूठी औरत, ऐसा गंदा सवाल पूछा तूने, मुझे पसंद ही नहीं आया। तू हमने पांच ये ऐसी औरत है, 5 बोतल दारू पी के और गंदी लगने लगती है, ऊपर से तब तो और ज्यादा गंदी लगती है, जब नाभि में फंसा के बियर की बोतल खोलती है और ज्यादा गंदी लगती है मेरे को। खबरदार, अगर हमारा नाभि में घुसने का कोशिश किया, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उनसे बुरा वैसे भी कोई नहीं, आपको पता है मैडम जी, आप सियानी औरत है, जब ये पैदा हुई ना डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि लड़का हुआ या लड़की हुई, डॉक्टर कहता भागो बहुत बुरा हुआ कुछ। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि आपको बहुत जोर से बाथरूम जाना हो और एन वक्त में आपका नाड़ा ना खुले, ये मेरी दुआ है, प्लीज कबूल कीजिए। मैं इसीलिए ये पहन के घूमता हूँ, मैं नाड़े वाड़े पे डिपेंड नहीं करता। ये तो गेस्ट आए तो मैं पैंट पहन के आया, नहीं तो मेरे को ऐसा कंफर्टेबल। हमको ऊपर कौन चढ़ाएगा, पहले ऊपर चढ़ाइए, जरा चढ़ाइए।
घूमने लगे जाओ। हाँ हाँ पहुँच गए हैं। अच्छा जितनी मर्जी बड़ी कुर्सी ले आओ, कुछ हिस्सा कुछ प्रतिशत बाहर रहता रहता है। अब बैठ जाइए। उस दिन ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ऐसे खड़ी हो गए ना, बिल्कुल बॉर्डर पे फोटो खींच रही, आप यकीन नहीं करेंगे आधा डिपार्टमेंट पाकिस्तान में था इसका, हालांकि पैर दोनों इसके इंडिया में थे, उन्होंने भी मौका देख के यहीं पे वीजा लगा दिया मेरे। बता नहीं सकता आपको। ध्यान मत दीजिए, आदमी बोलता रहता है, कुछ नहीं है। हाँ, एक किलो टमाटर के लिए पहला सवाल पूछते हैं, टमाटर जो है वो लाल क्यों होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए क्योंकि वो पीला नहीं होता है इसलिए लाल होता है। ऑप्शन बी, टमाटर को बैंगन ने थप्पड़ मार के लाल कर दिया। ऑप्शन सी, महंगाई की वजह से गुस्से से लाल हो गया। या ऑप्शन डी, क्योंकि कृति बैठी है तो वो ब्लश कर रहा है, टमेटोज आल्सो हैव फीलिंग्स। ऑप्शन डी, डी डी डी, कृति बैठी है ब्लश कर रहा है। मैं जवाब देता हूँ, टमाटर अपनी माँ का लाल है इसलिए लाल है। टमाटर अपने बाप का लाल होता तो फिर इतना महंगा नहीं होता, क्योंकि माँ का प्यार बेशकीमती है। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप, आपको मिलता है टमाटो सूप। सूप रहिए, सूप, बिल्कुल सूप। दीदी घूम के बैठो इधर, विंडो सीट क्यों ले ली? गर्दन पे बाल मैंने किसी औरत के नहीं देखे। बहुत ज्यादा। चलिए। अच्छा मुझे एक सवाल याद आ गया आप तीनों से, आप तीनों से भी। अच्छा कभी आपने देखा भैंस पानी में गई? हाँ। किसने नहीं देखा? बाहर बारिश हो रही है, अभी ये बाहर जाएगी। इनका और दीवारों पे लिखा बातों का ऐसा ध्यान मत दीजिए, सब बेकार होता है, बकवास होता है। हम अगला सवाल पूछ रहे हैं, अगला सवाल है ये आपको रिक्त स्थान का पूर्ति करना है, बहुत इजी है। तेरे डैश डैश दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। आपका ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन ए टेढ़े मेढ़े, ऑप्शन बी मेढ़े टेढ़े, ऑप्शन सी टेढ़े हैं पर मेढ़े हैं, या ऑप्शन डी बिन फेड़े हम टेढ़े। ये क्या बात हुई, चार ऑप्शन तो दो पहले। तो ये चार क्या कुतिया ने बच्चे दिए? पहले बात बता दूं एक जनरल नॉलेज की, कुतिया कभी बच्चे नहीं देती, कुतिया कुत्ते कुतिया ही देती है। ये सवाल गया जहन्नुम में, जानी तुम्हारे मुंह में। हेलो म्युनिसिपैलिटी, एक ट्रक भर के औरत इधर बैठी हुई है, उसको उठाना है, पांच ट्रक लगेंगे, आगे हाथी बांध लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी जल्दी आ, इनको कंट्रोल सी करती हूँ यानी कि डिलीट। मैं कंट्रोल आर करता हूँ यानी रिपीट। हेलो ट्रक भर के औरत बैठी हुई है, आप आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे? अच्छा मैंने बहुत अच्छी बात की, आप जीत गए एक नया होस्ट, अब सवाल मैं करूंगा, तुम एक्सपर्ट बन के कुर्सी की जान निकालो, आ जाओ। ये बैठिए, कीजिए, कितना कठिन काम है आपको पता चलेगा, कीजिए कीजिए। हम बैठ रहे हैं, जाइए। तुम भी किधर जा रही, देखा करो अपने तरफ भी देखा करो, ऐसी मनहूस औरत मेरी मूंछ निकल जाती है इसको देख के। इधर ही बैठी रहना, यू होममेड औरत, होममेड। तो अगला जो सवाल है ये मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, ये थोड़ा चाइनीज सवाल है। हाँ तो सवाल के साथ शेजवान भी दीजिएगा। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, चुएंग चुएंग मैंगली हुई पुछ हुई। एक बार सवाल फिर से सुन लीजिए, चुएंग चुएंग मैंगलिंग हुई सुई पुई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चुएंग मैंग हुंगली, डिंग डोंग डुंग डिंग हुंगली, ऑप्शन सी कुछी हो कोंगली, या ऑप्शन डी पैंग टैंग जेंगली पैंगली। जल्दी जवाब दीजिए, सवाल चाइनीज है, ज्यादा देर टिकेगा नहीं।
मैं जवाब देती हूँ पिंग पांग चुआंगली हुई 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 बकवास कर ली आधी रात को सही जवाब तो दिए हैं बिल्कुल गलत जवाब है नहीं हम कैसे मान ले गलत जवाब है जैसे हम तुम्हें औरत मान रहे हैं आप लोग जवाब दीजिए क्या सही जवाब है ऑप्शन बी डैंगलैंग प्लैंगली सी इतना इंटेलिजेंट आदमी बिल्कुल सही जवाब दिया है आप जीत गए 3 करोड़ की गाड़ी 3 करोड़ की गाड़ी जी ये लीजिए 3 करोड़ की गाड़ी की चाबी इसमें गाड़ी डलवा लेना आप तो अगला सवाल रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये लॉन्ग ड्राइव कितना लॉन्ग होता है आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए लॉन्ग इलायची जितना लॉन्ग मेरा लॉन्ग गवाता जितना लॉन्ग मुंबई से शिलोंग जितना लॉन्ग या कुछ तो लॉन्ग कहेंगे लॉन्गों का काम है कहना है सर मुंबई से शिलोंग जितना लॉन्ग ठीक है इस सवाल पे मैं बताना भूल गया इस पे कोई प्राइज है नहीं वैसे रैम देते हैं फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़